हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक आईफोन 6 की ग्लास ब्रेक डिस्प्ले है, जिसका हमें ग्लास बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक डिस्प्ले के अंदर स्पॉट आ रहा है पीले रंग का। इस स्पॉट को हमें हटाना है, ठीक है। हमें इसको ग्लास जो टूटी डिस्प्ले है, इसे ग्लास बनाएंगे, लेकिन स्पॉट की वजह से ना ग्लास नहीं बन पा रहा है। तो पहले हम इसकी सीट का ग्लास को, ये पीछे का जो सीट है, इसकी जो जिसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, उसे हम चलिए चेंज करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जो देखिए मेरे फ़ोन है जो अभी दिखाया था, उस फोन में ये रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, हमें दूसरी जो डिस्प्ले है, जो ख़राब डिस्प्ले है, उसके पीछे की जो सीट है हमारे पास, वो उसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल सीट फ्रेम लगाओ, ओरिजिनल लगाओ ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉपी जो सीट होती है, रिफ्लेक्टर होते हैं, उससे थोड़ा क्योंकि लाइट का फ़र्क पड़ता है क्वालिटी का, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल ही कोशिश करनी कि ओरिजिनल ठीक ठाक हम निकाल लें। तो देखिए, इस तरह से आपको निकालनी है सीट पीछे की दूसरी डिस्प्ले से। तो आपको सर्जिकल ब्लेड के द्वारा ही इसको कोने से हल्के से उठा उठा के इसको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, ये सीट को कोना कोना आपको लेना है। कहीं से देखिए, कोई भी जो, अगर आप ब्लेड मारो, ध्यान रखना ब्लेड मारो या चिमटी मारो, जिससे भी निकालो आप, वो ध्यान रखना कि ना सीट में कुछ निशान ना आ जाए। वैसे डिस्प्ले ख़राब है, नीचे तक पुश करना डिस्प्ले टूटने को दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो रिफ्लेक्टर हमारा है, वो ना उसमें नुकसान ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। अगर हल्का सा भी रिफ्लेक्टर में निशान आ गया, तो रिफ्लेक्टर हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हमारी सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको बड़े आराम से कॉफी काम करना है, कोई जल्दी नहीं है इसमें, बड़े ही आराम से निकालना है। अगर एक बार निकल गया तो ये आराम से फिर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे निकालता हूँ। तो आपको इस तरह से निकालना है। तो देखिए, यहाँ से आप इसको आराम से हल्के से खींचना है, जब तक इसमें शीशे की जो फ्रेम है, जो फ्रेम वो आपको दिखाई ना दे, तब तक इसको तभी निकालना है। देखिए, यहाँ से शीशे वाला फ्रेम जब हमें दिखाई दे रहा है, तो अब इससे समझ लीजिए कि हमारा रिफ्लेक्टर पूरा हमें मिल चुका है। तो इस पहले इसकी पूरी ग्लू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रेम निकालना है। जब आपको शीशे वाली सीट दिख जाए ना नीचे फ्रेंड डिस्प्ले के, वही बस रहने देनी है, बाकी जो ऊपर से हो वो सब आपको निकालनी है, वो पूरा हमारा रिफ्लेक्टर होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान से करिए, यहाँ पे आप अटक सकते हो। तो इसको बड़े ध्यान से करने हैं हर चीज़ को। इधर शीशे वाली सीट दिख रही है, यही आपको देखनी चाहिए। और यहाँ से बड़े आराम से इसको निकालनी है। देखिए, आप चिपकी होती है, तो बड़े ही धीरे धीरे से इसको कॉलफुली निकालनी है, ताकि इसकी जो LED होती है उन पर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि फ्रेंड रिफ्लेक्टर में LED लगी होती है, वही इसकी जो रोशनी होती है मोबाइल की, वो उसको अच्छी बनाती है। तो ओरिजिनल ही निकाल दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओरिजिनल ही बेस्ट होती है। कॉपी तो मिल जाती है, कॉपी मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, लेकिन उसमें ब्राइटनेस में फ़र्क आएगा, लेकिन ओरिजिनल लगाओगे तो उसमें ब्राइटनेस का फ़र्क बिल्कुल नहीं आएगा, और आपको वही क्वालिटी देगा ओरिजिनल वाली। तो मैं ओरिजिनल सीट ही निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आराम से निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर LED चिपकी होती है, तो इसे बिल्कुल धीरे धीरे निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये निकल जाए उसके बाद जल्दबाजी कर सकते हो। देखिए, यहाँ से अब ये निकल चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, केबल लगी हुई है, उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, उसको निकालेंगे। तो फ्रेंड, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई कैमरे नहीं है अच्छे, इसलिए मैं वीडियोस ऐसे ही बना पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कोई अच्छा कैमरा लेने की, इसलिए मैं लूँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल चलिए, अब हम जो है ना, इसका जो सोल्डरिंग करी हुई है इसके ऊपर, वो सोल्डरिंग की जो हमारी केबल जुड़ी हुई है, उसको हम अलग करेंगे। सबसे पहले नीचे पत्ती रख लेता हूँ। पत्ती से क्या होगा कि ये सीट में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जलेगी नहीं। तो चलिए, अब आयरन ले लेता हूँ। आयरन से इसको अब हम से सोल्डरिंग को हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोल्डरिंग से हटानी है आपको, थोड़ा आयरन ले लेना है, यहाँ से इसको हल्के से करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसे फिर अब निकल चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर देखिए, हमने अपने जो रिफ्लेक्टर था, रिफ्लेक्टर की सीट हमने निकाल ली है, क्योंकि ओरिजिनल ये मिलती नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोन से ही निकाली है। तो अच्छी खासी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल ठीक ठाक निकल गई है, ठीक है। तो चलिए, हम इसमें दूसरी वाली जो सीट है हमारी डिस्प्ले है, उसमें असेंबल करेंगे, जो हमारी चेक की हुई डिस्प्ले रखी हुई है, ठीक है। तो मैं भी अपना फ़ोन सेट कर देता हूँ। तो ये रिफ्लेक्टर मैंने निकाला, लेकिन यहाँ देखिए हल्का सा डस्ट अंदर चला गया, डस्ट है, उसको निकाल देता पहले। ये बहुत ही, मतलब ये एक एक चीज़ है फ्रेंड, ये जो चीज़ें हैं ना हल्की हल्की, ये भी नुकसान देगी, क्योंकि ना हम ऑन करेंगे तो ये डॉट काला स्पॉट दिखाई देगा, तो डिस्प्ले हमारी बेकार लगेगी। तो इसको भी निकाल देते हैं।
तो अब इसको मैं ब्लेड से निकाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत बारीक है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड इसी तरह से बिल्कुल आराम से करना, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी है। बस आपको क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5-6 डिस्प्ले ले लीजिए, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी डिस्प्ले है, 2-3 ओरिजिनल डिस्प्ले बेकार है, तो ओरिजिनल पे प्रैक्टिस करो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओरिजिनल भी थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन ये कहते हैं कॉपी निकालना आसान, लेकिन ओरिजिनल निकालना आसान नहीं है। तो देखिए ये वाली डिस्प्ले है, मैं इसको अब निकाल देता हूँ डिस्प्ले को। तो यह मैं यहाँ से कनेक्टर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, जो हमारा जो मैंने रिफ्लेक्टर निकाला था फ्रेंड, उस रिफ्लेक्टर को हम पहले इस सीट के से निकाल लेते हैं जो पहले का लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ से आराम से बिल्कुल ही निकालना है, ये तो बिल्कुल आराम से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, तो चलिए इसका निकल गया आराम से। तो अब इसका वो अब मैं इस कनेक्टर जो है इसको जोड़ूंगा, जो भी हमने निकाल रिफ्लेक्टर लगाया है उसको हम इसमें लगाएंगे। चलिए अपना फ़ोन तक सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं इसका रिफ्लेक्टर। तो पहले हम इस डिस्प्ले का पहले हम रिफ्लेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने वो डिस्प्ले का रिफ्लेक्टर निकाला था उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे। तो इसमें जो पॉइंट जुड़े होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, उसको हम सोल्डरिंग आयरन से निकालेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सोल्डरिंग लेनी है और उसके ऊपर रखनी है, तो अपने आप ये गल जाएगा और आराम से बाहर निकल आएगा। देखिए इस तरह से निकालना है आपको। तो उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। देखिए, तो मैंने उसको निकाल दिया जो हमारा रिफ्लेक्टर था पुराना वाला। ठीक है, तो अब देखिए ये जहाँ की डिस्प्ले है दो हमें लगानी है, और ये हमारा है रिफ्लेक्टर जो हमने पहले निकाला था। तो चलिए अब इसको फिक्स करते हैं। तो आपको बिल्कुल बराबर इसको बिठाना है सीट को डिस्प्ले के साथ में, इसको आराम से हल्के से बिठा देना है, कहीं दाएं बाएं ना हो, आराम से बिठाना है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए मैंने बिठा दिया है। अब इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं सोल्डिंग कर दूंगा दोबारा से, यानी कि इसके पॉइंट जोड़ दूंगा। तो हल्के से हाथों से इसको चूज करना है, और नीचे सीट को नीचे कुछ फ्रेंड रख लेना ताकि डिस्प्ले में आयरन लगे ना। ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले में निशान बन जाएगा और बेकार हो जाएगी। तो अब हमने इसको जोड़ दिया है। तो चलिए अब देखिए मैंने आपके सामने ये जोड़ दिया है। तो अब चलिए चलते हैं अपनी हम स्क्रीन फ़ोन में लगाते हैं जो हमने रिफ्लेक्टर लगाया था, अब हम फ़ोन में लगाते हैं। तो थोड़ा अपना फ़ोन जरा साइड रख दूँ। तो देखिए मेरे पास ये वही डिस्प्ले है। तो चलिए अब मैं इसको लगाता हूँ फ़ोन के अंदर कि अब निशान हमारा गया या नहीं गया। वैसे निशान तो चला गया होगा, लेकिन देखते हैं कि कोई और तो निशान नहीं आ गया, क्योंकि हमने निकाला है कि इसमें ऐसा ना ब्लर वगैरह आ रहा हो, कोई निशान आ गया कोने में। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। तो इसके लिए फ्रेंड आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ 5-6 डिस्प्ले पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको भी थोड़ा बता रहा हूँ जिससे कि आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इस फ़ोन को की डिस्प्ले को ठीक कर सकते हो, इसके पीछे रिफ्लेक्ट जैसे कि पानी चला जाए। ठीक है, पानी चला जाए, कोई वाटरप्रूफ कुछ भी कैसे भी हो निशान पीछे हो डिस्प्ले के, वो ऐसे ही आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हमने डिस्प्ले ऑन कर दिए। तो अब देखिए यहाँ से फिलहाल ओके कर देता हूँ, यहाँ देखिए तो ऑलरेडी देखिए फ्रेंड निशान कोई भी नहीं आ रहा है। अब जो पहला निशान था वो चला गया, और ये कहते हैं कहीं से कोई भी निशान नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ है, और कहीं ब्लड भी नहीं आ रहा, कोई लाइनिंग भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है फ्रेंड, बिल्कुल ही ये रिफ्लेक्टर हमारा ठीक ठाक लग गया है, और वो भी हमने ओरिजिनल ही लगाया। अगर कॉपी लगाता वो तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो निकला हुआ मिलता ही है नया, उससे क्या होता फ्रेंड ब्राइटनेस में फ़र्क आता, लेकिन ओरिजिनल लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको देखिए वही क्वालिटी दिखाई दे रही है ओरिजिनल वाली। देखा फ्रेंड, तो किस तरह से मैंने आज आपने सीखा होगा कि रिफ्लेक्टर को कैसे चेंज किया जाए पीछे के आईफोन के। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आईफोन्स पे कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हमने आज आईफोन की जो स्क्रीन होती है उसके पीछे रिफ्लेक्टर होता है उसको कैसे चेंज किया जाए, जो वाटरप्रूफ होते हैं या निशान आते हैं, तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हो, चाहे कॉपी लगा के या ओरिजिनल लगा के। थैंक यू।